आप कहाँ गुम हो गए थे? हाँ। वो एक मिस्ट्री चली कितनों की लव स्टोरी यहाँ केसरिया तेरा। हे गाइज, वेलकम बैक टू ध्रुव अंजना व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे। तो गाइज, अगेन आज के व्लॉग की शुरुआत इवनिंग सेशन में हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह ना आज हमें सरप्राइज मिल गया है। सरप्राइज क्या था कि सुबह सुबह ना आज मेरे घर पे, मेरे नहीं हमारे घर पे बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं, तो जो कि एकदम से ही आए हैं अचानक ही, हमें भी सरप्राइज ही मिला है। वैसे तो हमारे प्लान था आज कुछ और, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि सुबह सुबह हमारे घर पे लोग आए थे। तो बस सुबह सुबह मैं उनको थोड़ा सा उनका वेलकम करके, थोड़ा सा उनको कम्फर्टेबल करके, उनको लंच फेरा करवा के, और ध्रुव का भी ऑफिस था, तो मैंने सोचा कि व्लॉग भी शुरू कर देती हूँ। तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। व्लॉग के अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यार। आज तो भाई इतना काम कर रहा ना मैं। हाँ, आज ध्रुव का अगेन ऑफिस है। सुबह से ही मेरा चला हुआ है काम कंटिन्यूअसली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर मैंने थोड़ा नहाया धोया, क्योंकि सुबह लाइट नहीं थी तो इस वजह से सुबह नहाना तो ना हो नहीं पाया। तो अभी मैं काम करता हूँ। आज है इनको ज्यादा ना बैठना पड़े, क्योंकि जब भी कहीं बाहर जाना होता है या गेस्ट आते हैं ध्रुव के ना, मतलब बहुत ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि हमारे साथ ऐसा हो ही जाता है। हाँ, कंप्लीट करनी है। चलो आप अपना काम करो। और जो ये भाई साहब है ना, इनको हमने नहीं आज इनको रोक के भी रखा है। जो बाहर मेरे मायके से जो लोग आए हैं उन पे जो अटैक कर रहा है ना ये, इसलिए इसको ना यहीं पे रखो जब तक पापा कंट्रोल पूरा रखूंगा। पापा आ जाएंगे फिर तो वो संभाल लेंगे। तो ध्रुव आप अपना काम करो, मैं अपने गेस्ट को बाहर अटेंड करती हूँ। अच्छा, तो ध्रुव भी उनसे मिल गया है, बट ध्रुव के ऑफिस का काम है, तो ध्रुव अपना ऑफिस का काम करो, फिर मिलते हैं जब आप फ्री हो जाएगी। ठीक है। ये हमारी कुछ गेस्ट है। ये है बिट्टी दीदी, मेरी बुआ की बेटी है, और ये मामू है, मतलब मेरी बुआ के हस्बैंड, मामू ही बोलते हैं उनको, और ये इनका बेटा है। हेलो बोलो। और इनकी एक बेटी भी है जो अभी वॉशरूम गई है ना, वॉशरूम गई है ना स्नेहा। तो मैंने इनके लिए सोचा कि सैंडविच बना देती हूँ बच्चों के लिए। स्नेहा तो बड़ी है, कितने साल की बेटी दी थी वो? 15 साल। हाँ, तो मैं इनके लिए सैंडविच बना देती हूँ, बनाई नहीं मतलब बाहर से मंगवाई है, तो कर्म कर रहे हैं। स्नेहा ये मेरी बुआ की बेटी की बेटी है आगे। स्नेहा, और कैसा लगा आपको? अच्छा, आपको कैसे लगा? अच्छा, ठीक है। खाओ खाओ खाओ। बिट्टी दीदी का फोटो सेशन चल रहा है और इनको लगा मैं इनकी फोटो ले रही हूँ। मैं लेती हूँ। कैसा लगा वैसे आपको चंडीगढ़ में? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? मेरे घर पहली बार आए आप। तेरा घर तो सबसे ऊंचाई में। और बिट्टी दीदी जब पहली बार आए ना नीचे से, तो लिफ्ट में आने से मना कर रहे थे। यहाँ से ऊपर मैं पैदल चलूंगी, मैं नहीं आऊंगी लिफ्ट में। इतना खौफ आपके बच्चे बोल रहे मम्मी चलो चलो, और आपको इतना डर। देखो ना, अब क्या बोलूं, एक पुरानी बात याद आ गई। अच्छा। लाइट जाने वाली बात, तब मैं डर गई। मैं कहता हूं हमेशा ऐसा होता है कि लाइट चली गई तो सब हो गया ना। हां, ऐसा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अभी तो सारे लोग आमने सामने लग रहे हैं। हां, यहां पड़ोसी पार्क है। हां, पड़ोसी पार्क है, बस यही है यहां पे अंदर ही अंदर। मम्मी तो बहुत खजल हो गए थे यहां पे, ठान के रहने वाले पहाड़ों के लोग। हां, वो तो है। बस चुप, गंदी बात। ये क्या कह उसने देखा, ये मेरे रिश्तेदारों को कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। ध्रुव इसको समझा दो। बेचारा कितना हुआ है यार, पैर छूने पड़ते हैं इधर। पैर छूने आया था यार ये तेरे, इतने संस्कारी बच्चे। हाँ बेचारा। अच्छा मामू, सॉरी मामू, जीजू बोले मैंने, जीजू याद है ना। कोई इधर आ, तू पहले इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्यों मेरे क्यों खा रहा है बेटा, ये भी बच्चा है बेचारा। अभी देखिए, अभी फिर से भौंक के गए। इधर ही आ जा, देखिए खाओ। अभी कुछ नहीं है, नहीं। अरे पता नहीं है क्यों, पहले उसने चश्मे लगाए हुए थे, अभी पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है, पहचान नहीं रहा। चलो भाई भाई, वॉकिंग भी चलते हैं। अरे बेटा कुछ नहीं करेगा, डरो मत। सेवी तो डरा रहा है सारे बच्चों को, ऐसा क्यों कर रहा है तो कुछ आराम थोड़ी सी। फाइनली चलो भाई, सेवी ने फ्री कर दिया, अब चलते ऊपर। सबसे पहले अपनी गाड़ी के ना वाइपर नीचे कर लेता हूँ, आज तो गाड़ी भी कहीं लेके नहीं गए ना। सेवी ना बच्चों को डरा डरा के इसने दुखी किया हुआ है। क्या
किसके लिए भौंक रहा है? जेबी भाई छोटे बच्चों को डरा रहा है। ये क्या हो गया तेरे को? है क्यों भौंक रहा है? क्यों भौंक रहा है? इसको क्या हो गया? ये चिढ़ रहा है मेरे को लग रहा है ना, ये चिढ़ रहा है, ये ना मेरे को लग रहा है चिढ़ रहा है ये वही ना। नहीं अगर तो फिर हमारा बच्चा आ गया तो न क्या है? ये क्यों कर रहा है तू ऐसे? क्यों कर ध्रुव तेरे रिश्तेदारों के लिए तो करता नहीं ऐसे, मेरे रिश्तेदारों के लिए क्यों कर रहा है ऐसे? क्या है भाई? इतने छोटे नहीं आते ना। अच्छा अगर तूने खाया इधर मुड़ इधर मुड़ इधर मुड़ अगर ओ तेरा नाम लगता है आज मेरे से खाना नहीं बनना सुबह से ना। मैं से भी रखता हूँ नजर। हाँ इसके लिए थोड़े अंडे उबाल रहा हूँ मैं। इसके लिए डाइट इसकी अच्छी डाइट रखनी पड़ती है सेवी की यार। चलो मैं खाना बना लेती हूँ फिर है ना। ठीक है मॉर्निंग सेशन हो गया है आज के, हमारे जितने भी प्लान थे वो कैंसिल हो गए हैं। सही बात है, वैसे आज हमने जाना था बाहर। बहुत एक्साइटिंग था, मतलब मैं पापा और ध्रुव का, पापा भी घर आने वाले हो गए, बट एकदम से बोलते हैं ना गेस्ट आ गए तो अतिथि देवो भव, एंड गेस्ट इसलिए आए क्योंकि चलो कोई बात नहीं कल कर लेंगे, पर ही आएगी हमें परसों निकलना भी है तो प्लान्स हमारे ऐसे है ना एकदम फास्ट फास्ट है। हाँ। और बिजी शेड्यूल की वजह से अपना मतलब जो होता है ना लेजर टाइम वो मिस आउट हो रहा है, पर कोई नहीं बस कोई नहीं। और ऊपर से ध्रुव का ऑफिस भी है तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है अभी बस एक लॉन्ग वीकेंड आने वाला है मेरा। हाँ। शिवरात्रि वाला। हाँ। तो उसमें कुछ प्लान है। हाँ, वो तो पता ही है, इवेंट भी हमने जाना। एंड गाइस आप लोग गेस कर रहे थे आपने सही गेस किया या गलत गेस किया, हम कल के व्लॉग में बताएंगे आपको, हम सब बताएंगे, बट अभी आप बने रहे उसके लिए आप बने रहे, बट अभी फिलहाल मैं डिनर बना देती हूँ, तब तक पापा भी आ जाएंगे। कर 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 पनीर के लालच पे हाई फाई करवाया जा रहा है। गुड बॉय। और सेवी क्लैपिंग करो भाई। गुड बॉय सेवी हाई फाई। चल मेरे को तो स्पेशली आया भाई करने। अब देखना इसके तेवर। ओहो देखना अब आ गया चिड़के आ गया। अरे इसने सबको खा लिया, इधर रखे ही नहीं कोई लिया सबको आज यहाँ पे। क्या चल रहा है? हाथ जल गया। कैसे? सेवी के चक्कर में। सेवी तो मैं सेवी और सैम कब खा ले कोई पता नहीं, ध्यान में रखना पड़ता है। हाँ जी पूजा आप कर लोगे या मैं कर लूंगा? मैंने दाल तो बना दी है, अब मैं बस पनीर बनाना है, चावल आटा गूंथना है, चपाती। मैं बनाऊं पनीर अभी? तब तक तो पूजा कर ले। मैंने ये ग्राइंड कर दिया है। चल ठीक है मैं ठीक है अच्छा बनाई हूं, पर टेंशन ना ले भाई। पक्का? तेरे से तो अच्छा बनाऊंगा पक्का 100%। मैंने चार बार कर दिया है ऐसे, क्या वजह हो सकती है? क्यों 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 खा रहा है तू? ये भी तो बच्चा है ना सेवी, क्यों खा रहा है तू? क्या हो गया इसको आज? अब रहने दे सैम, अब तो पका ही टांग पकड़ेगा इसको। पिट्टी पिट्टी करो इसकी, क्यों मार क्यों? अच्छा खुद के हाथ में मार रहे हो, पिट्टी पिट्टी करो इसकी सेवी। क्यों बेबी क्या हुआ है? इसको आदत नहीं है किसी की ना सेवी। पहले ये बहुत बदतमीज है सेवी, रहने दो इसको सेवी। ध्रुव क्या लगता है क्या हो गया वहाँ सेवी को, आज क्यों खा रहा है ये सबको? इनसिक्योर इसको आदत नहीं है ना लोगों की आदत। इस पे कुछ बोलना चाहोगे आप? इसकी शरारते नहीं बोल दो, शरारते खत्म है। अब कुछ बोलना चाहोगे तो बोल सकते हो आप। नहीं नहीं बोल दो, क्या हो गया? क्यों रो रहे हो फिर? रो क्यों रहे हो आप? है क्या हो गया? इधर इनको बोलो, ये गाड़ी चलाते ना इनको बोलो कि बार भी सेट नहीं देते मेरे को। हाँ बोलो बोलो इनको, अभी देख कैमरा ऑन है ना अभी। हाँ करेगी जल्दी बोल जल्दी। शेर शूर का टाइम है भाई, शेर से खेलना चाहिए। सुनो सैम इधर देखो, पहले इनको जानते हो आप? कौन नहीं है? नहीं बोल बोल गया है। इधर देख के बताओ, अभी इसका मूड इधर देख के बताओ, फिर बार भी दिलाएंगे आपको। बताओ पहले इनको जानते हो आप? इसके है ना
इसके इसको ना एक बार भी चाहिए, तो अभी तो रात हो गई है, तो अब हमने इसको बोला था दिलाएगी दिलाएगी, बट अभी ये पड़ गया कि नहीं मेरे को बार भी चाहिए। और ऊपर से आ गया फ्री होके, बताओ कौन है ये? ध्रुव। सही बोला ऑफिस जाने ऑफिस में ही करते हैं। सैम आपने इससे पहले देखा है कभी इसको? थोड़ा थोड़ा देखा है, कहाँ भी देखा है, थोड़ा थोड़ा कहाँ देखा है, नहीं देख पाए, कहाँ देखा, थोड़ा थोड़ा देखा है, ब्लॉग कहाँ देखा, अंजना ब्लॉग, ध्रुव है ही नहीं, अंजना ब्लॉग है। मैं ज्यादा अच्छी लगती हूँ कि ध्रुव, कौन ज्यादा अच्छा लगता है सैम? सच बोलना, ये तो देख लो, बारबी के लिए मैं नहीं लेके जाऊंगी। नहीं नहीं बारबी के लिए नहीं, मैं भी लेके जाऊंगी, आप सच बताओ कि कौन अच्छा लगता है आपको? कौन लेके जाएगा? कौन अच्छा लगा? हाथ खड़ा कर दो, मैं तो खाना ही बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, ऐसे खड़ा कर दो। सेविया चेक करने आ गया कि भाई संस्कार कर क्या रहा है, ये देखो पीछे, देखो पीछे कौन है। सेवी ये क्या करता है बीच में? तो गाइस ध्रुव ने तो सैम को कर दिया है, हेलो हेलो, मतलब कर दिया है काबू में, अब ये बाबी बाबी की रटनी, वरना मेरे तो सर दर्द हो गई थी बेटी दीदी, आपके बेटे, आपके बेटे ने ना सर दर्द करा दी थी बार भी बोल बोल के, मासी बनना आसान है सच में। अब देखो भाई बच्चों को खाना भी यही खिलाना पड़ रहा है, बड़ी जिंदगी मेरे को दिख रही है फ्यूचर इसके बिना, लाइफ भी नहीं है। हाँ जी आप क्या बोलना चाहोगे इसमें? तो बड़ी दीदी होने का एक्सपीरियंस है। हाँ वो भी है। अरे पहले इतनी छोटी होती थी, मैंने इसको मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते जागा हुआ है, बहुत हाँ बहुत ही छोटी होती थी। हाँ अब हम देखो बराबर के हो गया। चलो मैं रोटी बनाती हूँ, आज पता नहीं कैसे कैसे हो रहा है। एक तो ना बच्चे, और हमें बच्चों की आदत नहीं है ना, और बच्चा भी ऐसा शरारती है भाई, इसने पूरा घर से, इसने और से भी ने ध्रुव का पनीर, और उसने बोली थी मास्टर जी ने बहुत अच्छा पनीर बनाया है, टेस्ट कम किया, अरे दिखने में बोल रहे थे कि दिखने में मास्टर जी का पनीर बहुत अच्छा। ध्रुव एक और न्यूज देनी थी, जो और गेस्ट थे ना, जो बिट्टी दीदी के ससुर और उनके देवर थे, वो उन्होंने भारी होटल ले लिया है, उनको थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा था ऐसे की ना, बट मैंने तो डिनर भी बना दिया था सारा, हमने बोला था कि मैं एडजस्टमेंट कर लेगी, बट उन लोगों को लगा कि बहुत सारे लोग हो जाएंगे, इसने ऐसा परेशान किया ना भाई, आज सबसे ज्यादा परेशान इसने, ये खाया है ना इसने इतनी बार खाया है, और पापा जब से तो पापा आया, पापा के आने के बाद तो शेर बना हुआ है पूरा, देखना ध्रुव जा जा खाएगा बिठा डे हो, दिखा भाई रोटी में क्या डिफेक्ट है तेरी, नर्वस हो रही है तो शायद ज्यादा है, रोटियों के लिए कृपया माफी चाहते हैं हम, रोटियों के लिए खेद है, रोटियों के लिए खेद है। एक शिफ्ट बैठ गई ये खाना खाने, आपके बेटे ने खाना खा लिया अंदर, अब आप लोग खाना खाओ, फिर मुझे रिव्यू देना है, मामू बहुत अच्छा रिव्यू देना है, पहले और अब मैं कितना सीखी मैं खाना बनाना, खाया तो है नहीं अभी आपने, नहीं नहीं पहले अब इसने आप भी खाएगी, फिर बाद में भी खा लो पहले, ठीक है? चलो पापा करे, आप करेले का रिव्यू देना, क्योंकि मैंने करेला भी बनाया है, तेल थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया करेले में? उनको तो बहुत स्वाद लगे, पापा तो कहे शेफ है, एक और एक छोटा शेफ, बड़े शेफ, आप कहाँ गुम हो गए थे? हाँ। फोन नहीं लग रहा था ना तो उस दिन ने, तो चौक हो गए थे कुछ, अब पापा को पावर बैंक दे दिया है, और हमारा नंबर याद रखना है पापा, हमेशा याद है मेरा नंबर, याद है मेरा तो याद है, ध्रुव का नंबर याद है, ये मेरे पास सब लिस्ट होती है नंबर्स की, नाम मोबाइल खो भी जाए ना सारे, इसी में तुम्हारे नंबर ऐड कर लेता हूँ। और ध्रुव डिनर करेंगे अब, हाँ बताओ जी खाना कैसा था, ये बताएगी कितनी क्वांटिटी थी, कितना खाया, नहीं 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 खाना कैसा, रिव्यू ओनली ओनली, खाने का रिव्यू, बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा, पनीर, कैमरे के लिए नहीं बोला, रियलिटी में बोल रही हूँ, सब खाया, सब खाया, करेले से तो एक चपाती एक्स्ट्रा,
चलो मामू गर्व है मुझे, हिंदी में बोल दो, बोलो गर्व है मुझे, नहीं बोलो भैया छोटी थी फिर हॉस्टल में क्या बनाना था, अब बनाए ना बड़ी होगी, अब शादी शुदा होगी, पापा तो खैर थम्स अप नहीं जब पापा हम जबरदस्ती करवाते दिल से करते हो आप तो खुद, अरे नहीं नहीं पापा तो हमारे से अच्छे हैं, अच्छे से चलो आप दाल खा के देखो जरा कैसी बनी, अच्छी बनी, क्या बोलना चाहोगे आप हमारे स्पेशल डिनर के लिए, डिनर बहुत अच्छा था और दाल सबसे ज्यादा अच्छी थी, पनीर भी अच्छा था, पनीर देखो अब तो सभी बोलेंगे ना पनीर के, चलो चलो हाँ अच्छा बनना था बाहर देखो रो रहा है बच्चा, खा लिया ना उसको, क्यों टुक्का मारा है, क्यों मारा टुक्का, क्यों मारा टुक्का, यार से भी रो रहा है बेटू अंदर बच्चा, कल के लिए तेरे डर से तो बच्चा नहीं ला सकते यहाँ पे, बच्चे के लिए बड़ा पापा देख लो, फिर बोल तो आपको बच्चा चाहिए, इधर देखो बच्चे कहाँ से लाने, इसको बच्चे ही पसंद नहीं है, इसने आज किया पापा, इसने बहुत जब से वो आया, हाँ थोड़ा पीछे गया नहीं बोला कुछ नहीं, 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 नहीं देखा है। मैंने कहा देखा, मैं आपसे बात कर रही थी, चल ऊपर बच्चों के साथ ठीक से, अरे पता नहीं आज फिर बोल जैसे कि मैं इसके साथ प्यार नहीं करती, इसको ऐसी हरकतें करता है, क्यों खाया आपने, मेरे को भी खाया इसी दिन में, यहाँ पे देखो खाया नहीं, तेरा तो वो है नाखून, अभी एक ही बात होती है वो, क्यों क्या आपने, सॉरी बोलो, से सॉरी, से सॉरी, सॉरी, चलो ठीक है भाई, ऐसे नहीं करते सेव, पर इसने खा लिया था ये बात सच है, चल सॉरी बोलेंगे उसको, सॉरी बोलने आया, ये सॉरी बोलने आया, सॉरी बोलेगा ना सेवी, ये देखो मार पड़ी है, चार झापड़ मेरे, चार पापा के, चार ध्रुव के, ध्रुव के चीखा क्यों नहीं मारी, सही बात है, बात इसकी वैलिड है वैसे, ये थोड़ा वो है अजीब सा ना, चीखे नहीं मारता है, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, इसे ना डर के नहीं रहना पड़ता, एकदम ना हिम्मत के साथ जाना, हाँ तो ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज, अभी अभी नहीं, अभी नींद में, अभी पापा नाराज हो गया, मेरी मम्मी नाराज हो गया, अभी चल जा, चल भाई जा, तो गाइस अब सेवी को हमने अपने रूम पे ले आया, बाकी सारे गेस्ट एडजस्ट कर दिए जो जो अपने पास रूम्स थे, तो आज मैंने सोचा कि सेवी को अपने साथ ही सुलाते हैं, क्योंकि डर रहेगा ना सेवी कहीं किसी को काट ना ले, तो इसका आज पता नहीं आ रही है, थोड़ा ना उखड़ा हुआ जैसा है, शायद इरिटेट हो गया ज़्यादा, या कोई नए लोग आए ना तो इस वजह से थोड़ा सा परेशान लग रहा है, बट कोई नहीं, सेवी धीरे धीरे ना यूज हो जाएगा इन चीज़ों के, बाकी हमारा प्लान जो है वो एक दो दिन में बनने वाला है और हम निकलने वाले हैं पहाड़ों की तरफ, तो आपने गेसेस बहुत अच्छे अच्छे करे कि इवेंट क्या है कैसा है, तो आपको सब कुछ पता चलेगा आने वाले व्लॉग्स में, तो अभी के लिए करते हैं इस व्लॉग को एंड, आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड देखते रहे ध्रुव अंजना व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स, बाय बाय।